हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से जल प्रलय जैसा मंजर है। मंडी जिले का ऐतिहासिक पंचवक्त्र महादेव मंदिर भी इस सैलाब के आगोश में दिखा। ब्यास नदी और सुकेती खड्ड के किनारे बने इस मंदिर की तस्वीरों ने केदारनाथ की याद दिला दी। अब यहाँ का हाल कैसा है, सुनिए स्थानीय निवासियों से। जितने भी लगते घर है ना साथ के नदी के, तो उनको खतरा हो चुका है और काफी घर तो बह भी चुके हैं। मतलब कुल्लू मनाली से होते हुए सैलाब आ रहा है और आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी जो पुल है, ये पुराना पुल था पंचवक्त्र महादेव जी के नाम से इसको जाना जाता था, तो इस पुल को भी प्रॉपरली अब टोटली जिसको बोलते हैं कि बंद हो चुका है। अभी दिक्कत ये आ रही है कि जितने भी साथ लगते घर है, जैसे कि वो आप घर देख रहे हैं, तो उस तरह के जो घर है ना उनको प्रॉपर दिक्कत है। और ये जो मंदिर है ना, इसमें बोला जा रहा है कि 95 के बाद अब ऐसा सैलाब आया है, बहुत कितने सालों बाद ब्यास नदी का। सो द थिंग इज कि मुझे नहीं लगता कि जो पहाड़ों की नदी है वो कभी अपना रास्ता छोड़ेगी आने के लिए। तो लोगों को ये जागरूकता रखनी चाहिए कि इतनी नज़दीक भी ना जाएं प्रकृति के कि आपको बर्बाद ही कर दे। सो प्रशासन की तरफ से हमें ये हेल्प मिल रही है कि जैसे कि जितने भी जो पुलिस महकमा है, NDRF की टीम्स हैं, मनाली से लेकर के मंडी तक सबको सुविधा दी जा रही है। जैसे जिसका कोई घर बह गया है तो उनको जो गुरुद्वारा प्रशासन है मंडी का, उनकी तरफ से लंगर की सुविधा मिल रही है, रहने की सुविधा मिल रही है। हमारी जो DC ऑफिस, जो DC मंडी है, उन्होंने प्रॉपर इमरजेंसी नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल ID सब कुछ मेंशन किया है, तो वहाँ पर जो है हम सुविधा ले पा रहे हैं। हमारा घर तो थोड़ा ऊपर की साइड है, बट जिनका घर ऐसे इस वाले एरिया में था ना, उनको बहुत दिक्कत है। अभी आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी डंगे टूट चुके हैं। सो अभी बारिश और 48 आवर्स बताई हुई है। सो आई थिंक कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए और प्रकृति से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। पूरा प्रशासन, नगर निगम मंडी और इनके समस्त जितने भी कर्मचारी हैं, सब मौके पर यहाँ मौजूद थे और पल पल की जानकारी जो है ये ले रहे थे। लेकिन पानी को तो कोई, बारिश और पानी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इस बार जो है नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले 95 में भी ऐसा आया था, लेकिन उस वक्त इतना नहीं था, इस बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं पंचवक्त्र मंदिर का जो अभी हाल में पूरा भागवार या डंगे लगाए गए थे, ये पूरे बह गए यहाँ पे। और हनुमान मंदिर को नुकसान हुआ, पार्किंग को नुकसान हुआ और सामने वाली शमशान घाट है वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। तो जो परेशानियाँ किस तरह की हैं जो लोकल लोग हैं, क्योंकि रेड अलर्ट का एक तरफ से आपको बताया गया था जिनके घर इसके आसपास में नदी के। नहीं, परेशानी ऐसे इन सच कोई नहीं आई, क्योंकि प्रशासन का पूरा सहयोग था। उन्होंने जिनको इवैक्यूएट करना था उनको टाइम से पहले इवैक्यूएट कर दिया और पुलिस और प्रशासन का बहुत सहयोग रहा।